मेरे साथियों, ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। 10 वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है और अब बहुत तेजी से 3रे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज पूरी दुनिया भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रही है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, वो अब फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। INS विक्रांत मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है।